Hello student, I'm Manidako from AjuPro classes. So today we are going to do your honeycomb textbook class 7th, a poem, The Shed. Aaj hum bachche kya karne wale hain, a poem, The Shed. And this poem was written by Frank Fieland. तो बच्चे ये एक पोइम है जिसका टाइटल है द शेड. शेड किसे कहते हैं बच्चे? जो ऊपर छत होती है जिसे हम छप्पड़ भी कहते हैं, जिसे हम ढारा भी कहते हैं, जो हम बनाते हैं. तो लेट अस बिगिन दिस पोइम. डू यू नो व्हाट ए शेड इज? ए काउ शेड, ए टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्ज़ाम्पल. तो इन यहाँ पर जो हमारे पोएट बोल रहे हैं, क्या आप जानते हैं शेड किसे कहते हैं? जिसे हम छत भी कहते हैं. ठीक है, छत जो होती है वो एक सीमेंटेड बनी होती है, लेकिन जो शेड है वो हम किसके साथ डालते हैं, या वो जो होती है लोहे की जो बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं उसके साथ डालते हैं, या घास फूस के साथ हम डालते हैं. तो यहाँ पे जो पोएट कह रहे हैं, क्या आप शेड के बारे में जानते हैं? आपने देखी है काउ शेड, देखी है टूल शेड, देखा है आपने कभी वुड शेड देखा है? ये एग्जांपल्स जो है उन्होंने हमें बताई है. इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्स्ट्रा. तो ये जो शेड होती है वो कहाँ से? घर के थोड़ी दूर पे होता है, एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे हम सामान को जमा करके रखते हैं, और वहाँ पे कभी सामान जमा करते हैं, वहाँ पे कभी हम जानवर को बांधते हैं, कभी हम टूल्स रखते हैं, कभी हम अपने व्हीकल्स जैसे आपके टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स जो हम वहाँ पे रखते हैं. Ask your partner if she or he has ever seen a shed. तो आप अपने पार्टनर से पूछो, क्या आपने कभी ऐसी शेड देखी है? Let her or him describe it to the class. और उसे बोलो कि वो क्लास में जो है इस शेड के बारे में पूरा डिस्क्राइब करें. तो बच्चे आप इस स्लाइड में देखो, यहाँ पे जो कितनी फोर पिक्स लगी हुई हैं, ये जो है दैट इज़ ए काउ शेड. ये देखो उसके ऊपर कैसे उन्होंने शेड डाली है, ये सारी जो है ऊपर लकड़ की डाली हुई है, और ये टूल शेड है. ओके, एंड इन थर्ड पिक्चर यू विल सी ए वुड शेड. वुड को स्टोर करने के लिए उन्होंने छोटा सा ये शेड रूम बना रखा है, एंड दिस इज़ द व्हीकल शेड. तो ये बच्चे होती हमारी शेड है. आज हम ये जो आपकी पोइम है द शेड, आज हम वो पढ़ने वाले हैं. अब आपको मालूम चल गया होगा बच्चे शेड क्या होता है. तो आप देखें, आपके घर में भी पार्किंग के लिए आपके पेरेंट्स जो फादर ने एक अलग रूम बनाया होगा, गैरेज जिसे कहते हैं, उसके ऊपर ऐसे ही शेड डाली हुई है. तो बच्चे उसे कहते हैं हम द शेड. सो नाउ रेड द पोइम. देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. तो यहाँ पे जो पोएट है हमारे, पोएट कौन है हमारे? फ्रैंक फाइलन जो है वो हमें बता रहे हैं कि उनके गार्डन में भी एक वहाँ पे क्या है, शेड पड़ा हुआ है. और वो शेड जो है वहाँ पे क्या है, उसके दरवाजे और वहाँ पे क्या लटक रहे हैं, वहाँ पे क्या लटक रहे हैं बच्चे? वहाँ पे जो स्पाइडर वेब्स, स्पाइडर वेब किसे कहते हैं? जो मकड़ी होती है, स्पाइडर मींस मकड़ी, वेब जो अपना जाल बनाती है, वो दरवाजे के बाहर ऐसे लटक रहे हैं. द हैंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. और वो जो उसके सारे जो दरवाजे वो कैसे हैं कि रस्टी मींस उसको जंगाल लग चुका है, और जब हवा आती है तो उनकी क्रीक की आवाज़ आती. क्रीक की मतलब जैसे आप कभी आपने हॉरर मूवी देखी, जैसे दरवाज़ा क्र करके जो है ओपन होता है, तो वो क्रीक सी आवाज़ आती है, क्र
क्रर करके आवाज़ आती है, तो उसे वो क्रीक आवाज़ जो है हवा के साथ वो दरवाज़ा ऐसे ओपन होता है। तो ये पोएट हमें अपने शेड के बारे में उसका जो उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि वो इतनी पुरानी हो चुकी है। ओके, तो बच्चे आप देखोगे आगे जाके मैं आपको एक जो है पिक वो दिखाऊंगी कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन आई विल ओपन दैट डोर वन डे। तो पोएट जो कहता है कि जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो मैं ये आवाज़ सुनता हूँ, लेकिन अब कभी पोएट ने वो कभी देखा नहीं है वहाँ पे जाकर। ओके, वो कह रहा है कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं वो दरवाज़ा एक दिन ज़रूर जो है वो ओपन करूँगा। तो बच्चे अब यहाँ पे जो पोएट ने अपनी वो किसकी शेड की सारी डिस्क्रिप्शन बताई है कैसे कि उसके उसमें स्पाइडर जो वेब्स लटक रहे हैं और वो रस्टी ही वहाँ पे जो है दरवाजे और उनकी साउंड जो है वो क्रीक साउंड दिखाई सुनाई दे रही है। तो बच्चे आप इस पिक में देखो ये जो शेड बना हुआ है ये पोएट के गार्डन में एक शेड बना हुआ है। ओके, नाउ इन दिस स्लाइड यू विल सी ये कैसे ये देखो वेब जो स्पाइडर वेब कैसे उसके जो शेड के ऊपर लटक रहे हैं, इवन उसके डोर्स के बाहर भी ऐसे लटक रहे हैं। तो ये जो सारा जो है पोएट बता रहा है, लेकिन उसके मन में है कि वो एक दिन जरूर उस शेड में जाएगा। There is a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me. तो यहाँ पे बच्चे वो कह रहे हैं पोएट कह रहा है कि there is a dusty old window around at the side, मतलब उसके वहाँ पे एक खिड़की है जो बहुत पुरानी है और dusty means जो मिट्टी के साथ भरी हुई है, और वो कह रहा है with three cracked panes of ग्लास उसके ग्लास जो टूटे हुए हैं, एंड आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, और वो पोएट कह रहा है मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कोई मुझे देख रहा है। स्टेयरिंग मीन्स जो मुझे घूर रहा है, मुझे अंदर से कोई वॉच कर रहा है, ठीक है। ईच टाइम दैट आई पास आई विल वीप थ्रू दैट विंडो वन डे। तो कहता है ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मैं उस आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, और मैं सोचता हूँ कि मैं एक बार वो खिड़की की तरफ ज़रूर देखूंगा। तो बच्चे ये जो अब क्या है वो शेड में एक खिड़की है जो विंडो है वो पुरानी है वो, और डस्टी भी है, उसके जो मिरर है वो क्रैक हो चुके हैं, और पोएट को क्या लग रहा है कोई उसे स्टेयर कर रहा है। तो आप बच्चे इस स्लाइड में ये देखो कैसे उसके शेड में ये विंडो बनी हुई है, यहाँ से उसके ग्लास जो है वो टूट चुके हैं। जब भी पोएट वहाँ से निकलता है उसे लगता है कि somebody was staring at him, कोई उसको अंदर से देख रहा है। ओके, इज इट क्लियर विद यू? आई थिंक इट्स ऑल क्लियर विद यू, नाउ गो हैड। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। तो जो पोएट का ब्रदर है वो बहुत ही होशियार है और वो उसे डरा रहा है कि तुम वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे घोस्ट मीन भूत है, वो जो कहाँ पे जो हमारा कहाँ पे छिपा है, हाइड्स मीन छिपा, रोटन फ्लोर बोर्ड्स मीन जो टूटा हुआ फर्श के नीचे है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माय हेड बट आई विल टेक ए पीक वन डे। तो उसके ब्रदर ने क्या उसे ये डरा रहा है कि वहां पे भूत है, तुम अंदर मत जाना, अगर तुम अंदर जाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर जंप करेगा, ऊपर छलांग लगाएगा एंड चॉप ऑफ माय हेड, चॉप मींस कि उसका सिर काट देगा। तो लेकिन जो पोएट है वो कह रहा है कि मैं ज़रूर एक दिन जो है अपनी जो हिम्मत जुड़ाकर वहाँ पे मैं ज़रूर जाऊँगा। तो जो पोएट का ब्रदर है वो उसे हमेशा ऐसे ही डरा रहा है, क्यों
क्यों क्यों डरा रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि वो कोई उस शेड में ना जाए और वो अकेला ही उस शेड में जाकर अपना जो है टाइम वो स्पेंड करना चाहता था। इसलिए वो पोएट को हमेशा डराता था, कैसी कैसी बातें करके कि वो घोस्ट की बातें सुनाकर उसे डराता था। तो लेकिन फिर भी जो पोएट है उसके मन में क्या आता है कि वो ज़रूर एक दिन वो जाएगा, चाहे वहाँ पर स्पाइडर्स भी लटक रहे हैं और जो विंडोज़ हैं वो भी क्रैक हुई हुई है, और उसे ये भी डर है कि उस जो विंडो के अंदर से कोई उसे वॉच कर रहा है। लेकिन उसके मन में, पोएट के मन में ये बात है कि वो एक दिन ज़रूर वहाँ पे जाएगा और वो देखेगा कि वहाँ पे क्या है। तो लेकिन जो उसका ब्रदर है उसे कहता है अगर तुम वहाँ पे गए तो वो भूत तुम्हारे ऊपर आए जंप करेगा और तुम्हारा सिर काट देगा। तो बच्चे इस स्लाइड में देखो, यहाँ पे आपको टू पिक्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखो इस पिक में आपको कितना अंधेरा दिखाई दे रहा है और यहाँ से सब कुछ टूटा हुआ है, और इसलिए उसके ब्रदर ने बोला कि इन चीज़ों के बीच में ही भूत रहता है। अगर तुमने कभी भी बाय चांस अंदर जाने की कोशिश की तो भूत तुम्हारे ऊपर आके तुम्हारा सिर काट जाएगा। और यहाँ पर देखो दूसरी पिक में ये जो दरवाज़ा है वो कैसे रस्टी हुआ हुआ है, और जब तेज हवा आती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता खोलता है और वहाँ से आवाज़ जो सुनाई देती है जैसे वहाँ पे कोई इंसान रह रहा है। ओके, आई थिंक बच्चे अगर आपको ये पोइम में कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा या कुछ ऐसी बात है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू। ओके, नाउ टू वी कंटिन्यू आवर दिस पोइम। आई नो दैट देयर इजंट रियली ए घोस्ट। तो पोएट कह रहा है कि मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ पे कोई भूत भात नहीं है, ठीक है, देयर इजंट रियली ए घोस्ट, कि वहाँ पे कोई भूत नहीं है। माय ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। तो उसे अब पोएट को समझ आ रहा है कि उसका भाई जो है वो उससे जानबूझ के झूठ बोल रहा है। Why? Lies मतलब झूठ बोलना। क्यों? क्योंकि वो शेड को अपनी जो है एक डैन बनाना चाहता है। डैन मीन्स कि उसके अंदर वो अपना राज करेगा, किसी को अंदर आने नहीं देगा, अपनी जो बातें जो अपना जो उसने एक्टिविटी करनी है वो वहाँ पे अकेले बैठ कर वो कर सकता था। तो ये पोएट जो रियलाइज कर रहा है कि उसका ब्रदर जो है वो झूठ बोल रहा है। There isn't anyone staring. उसने बोला कि वहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे देख रहा है। Staring means देखना, और making strange noises, और ना ही कोई वहाँ पे ऐसा इंसान है जो बहुत सारी अजीब, strange means बहुत ही अजीब सी आवाज़ें, noises means आवाज़ें निकालता है। तो ये poet कह रहा है उसे पक्का यकीन है कि वहाँ पे कोई भूत नहीं है, उसका brother झूठ बोल रहा है, और वहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसको घूर रहा है या वहाँ पे बैठ के कुछ ऐसी अजीब अजीब सी बातें वो जो है आवाज़ें निकाल रहा है, ठीक है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन। तो उसने बोला अगर स्पाइडर की बात आती है तो जो स्पाइडर है वो क्या करते हैं, अपना वेब बनाकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वेब मींस जाल, जो हमने बच्चे आपने फर्स्ट जो पिक में देखा था, मैंने आपको दिखाई दी कैसे उन्होंने वेब बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये पोएट जो कह रहा है मुझे पता है कि अगर स्पाइडर की बात मैं सोचूँ तो स्पाइडर जो है वो अपना जाल बनाकर वो वहाँ से कब से चला गया होगा, मुझे नहीं पता वो आई डोंट नो व्हेन वो कब गया होगा। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। अब पोएट कह रहा है कि मैं जरूर एक दिन उस शेड में जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा उस शेड में, सून मीन्स जल्दी उस शेड में जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट,
लेकिन अब नहीं जाऊंगा, लेकिन अब नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ज़रूर एक दिन उस शेड में जाऊंगा जहां पे मैं देखूंगा कि वहां पे क्या कोई भूत है या वहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो मुझे अंदर से घूर रहा है या कोई ऐसा वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये जो पोएट है, नाउ ही रियलाइज दैट हिज ब्रदर टेल्स लाइज, कि उसके भाई ने उससे झूठ बोला। क्यों? ओनली फॉर हिज मीन, वो उसका मतलब, उसका अपना मतलब था। क्यों मतलब था उसके ब्रदर का? क्योंकि वो चाहता था कि ये शेड जो है उसकी एक पर्सनल जो है प्रॉपर्टी बन जाए और वो किसी को वहाँ पे नहीं आने देगा। इसलिए वो पोएट को, जो उसका छोटा ब्रदर है, उसको वो डरा रहा है, धमका रहा है कि तुम उस शेड में मत जाना, वहाँ पे भूत है, वहाँ पे कोई इंसान जो तुम्हें घूर रहा है, वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, दरवाजे भी जो हैं वो कर रहे हैं। तो बच्चे, अगर आपको मेरी पोइम जो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल एजुप्रोक्रास्ट में जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहूं। ओके, थैंक्स।